इनको नहीं मिल रहा है, इनको कोई नहीं मिल रहा, तो जबरदस्ती नहीं मिलता है हम लोग का। ये गया है निर्दोष के, कन्या दान दिए है, रात में अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होकर उठाया गया है। कोई हमको बता सकता है कि ठीक है ना, अनजान को आप अरेस्ट कर लिए दरोगा जी? वारंट का 1 बजे गाली देकर के दरवाजा खोलवा देना। 1 बजे रात के पुलिस गई थी, क्या बताया था पुलिस, क्या बोली? दरवाजा खटखटाया तो जो आदमी सोया है उसको जो डर भी नहीं है वो दरवाजा खोल दिया, कौन है आप? अब तो चलिए आप दारू बेचते हैं, चलिए गाड़ी में बैठिए। कितने लोगों को भी अरेस्ट किया गया? अरेस्ट लड़के को उठाया जिसका शादी किया, दारू वाले को नहीं पकड़ेंगे। बोल रहे हैं लोग कि अब जला दीजिए, लाश जला दीजिए, नहीं तो पोस्टमार्टम तक नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए आदमी नहीं पकड़ पाएगा लोग, पुलिस लोग केवल ये लोग घूस लेकर खाता है लोग, पीता है लोग, और बस यही सब होता है इन लोगों से। थाना से कुछ करता है लोग, ये पटना का दबाव है कि उठा के भर दो। रात शादी था, पता नहीं कौन पिया कौन मरा, किसको लेना देना है, ये लोग जबरदस्ती जाके उठा के लाए हैं। अब उनका निर्दोष सुतला में आरोप लगा कर ले आए हैं, निर्दोष के गलत का शादी, हमारे दुआर पे बारात आया है, प्रशासन के दबाव में, प्रशासन के दबाव, कोई इनको नहीं मिल रहा है, इनको कोई नहीं मिल रहा, तो जबरदस्ती नहीं मिलता है हम लोग का। ये निर्दोष कोई गोता रुका भी पकड़ाया है अभी तक। 1 बजे वारंट था इनके पास, 1 बजे उठा के लाने का वारंट था इनके पास, वारंट था। एक आदमी किया है कन्यादान, एक लड़की का। 1 बजे रात को वारंट दिखा के क्यों नहीं लाए ये लोग? बिना वारंट करे क्या है ये लोग? बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से उठा के लाया गया है। उठाइए जिनको, शादी था, रात शादी था, पता नहीं कौन पिया कौन मरा, किसको लेना देना है, ये लोग जबरदस्ती जाके उठा के लाए हैं। ऊपर से जब दबाव आया है, जब ऊपर से क्या हो गया बताइए, 1 सेकंड क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया बताइए? हमारे घर की शादी पड़ी है, हम पूरा नेक चलानी कर रहे हैं, झूठ है, सब झूठ है। किसको गिरफ्तारी हुआ है, किसका हुआ है? हमारे गुड्डू पारे को झूठ लगाया है, उनके साथ कार्ड है, सब झूठ लगाया है, देखिए आपके परिवार में शादी है, सदस्य को उठा करके लाया गया, ये देखिए आरोप क्या लगाया गया, आरोप क्या लगाया गया? दारू पिलाया है, दारू पिलाया है, ये देखिए, 13 तारीख का शादी का दिन था, हमने 14 तारीख को बारात को विदाई किए हैं, ये देखिए हमने 14 तारीख को बारात को विदाई किए हैं। अच्छा जिनको पकड़ के ला गया, पुलिस क्या बोली है कि पकड़ बोले, कोई बोलिए कि चलिए थाना में, वहाँ कुछ नहीं बोली। 1 बजे रात में खजाना दरवाजा खोल दिया, जो कि घर में था उसको उठा ले, पुलिस खाना पूर्ति कर रही है निर्दोष को उठा करके, यही आपका? हाँ तो और क्या, एकदम निर्दोष, शादी जिसके घर में था, कल शादी बीता है सुबह में, और उसको उठा के वो लोग लाया। अभी DM SP आए थे, उनसे बातें नहीं हुई? कहाँ बात हो, बात करने नहीं दिया तब तक, हम लोग चाह रहे हैं कि बात करें, करने नहीं दे रहा है लोग। किस गांव से आए आप? हम तो मसरक से हैं। मसरक से हैं, क्या मामला हो गया, क्यों नाराज है सो बताइए? वो जो आए थे, किसी बात हुआ है पब्लिक को से? हैं तो क्यों आए थे वो? वो की भाई थे, अब तो वही बताएंगे ना, वो बताएंगे, इन लोग बताएंगे, किसे बात हुआ है यहाँ पर? जो सदस्य को DM SP से बात तो करने हुआ है यहाँ पर, पब्लिक से बात हुआ है यहाँ पर, फिर हमारे क्या फायदा हो गया? देखिए तो ये जो महिलाएं हैं, इनके परिवार में शादी है, आपका शादी हुआ है, आपके घर में शादी है, राइट? देखिए कन्यादान दिए है, रात में अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होकर उठा गया है। कोई हमको बता सकता है कि ठीक है ना, अनजान को आप अरेस्ट कर लिए दरोगा जी? गाली दिए घर पे, जब ब्राह्मण का इज्जत चला गया है तो हम लोग यहाँ सुसाइड कर सकते हैं, मार सकते हैं अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया चाची बताइए? हमारा बेटा के 2 गो बेटा, 1 गो बेटा हमारे मर गई बारे, उनका 2 गो लड़की, वही लड़की के बिया भइल बाबू, आ हमारे उसका कोई नहीं है, आ उनका के निर्दोष सुतला में झूठ आरोप लगा कर ले आए हैं। अरे पुलिस झूठ मूठ का आरोप लगा के लाए? देखिए जो घटना घटित हुआ है मसरक में, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपना फेलियर नाकामी छुपाने के लिए निर्दोषों को पकड़ रही है, ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। लेकिन जो ग्रामीण है वो बोल रहे हैं जिसके घर में कल शादी हो और उसके बाद उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी है।
40 से 50 लोगों की मौत अगर जिस जिले में इस प्रखंड में हुई है तो यह नाकामी पुलिस प्रशासन की बनती है। और इसी खाना पूर्ति को पूरा करने के लिए पुलिस निर्दोषों को पकड़ पकड़ के ला रही है। मानते हैं कि जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मृत्यु हुई है वो काफी संवेदनशील विषय है, लेकिन अगर पुलिस इस प्रकार से खाना पूर्ति करेगी तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। देखिए बताइए, इधर आके बात कीजिए, इधर आइए। वारंट का 1 बजे गाली देकर के दरवाजा खोलवा देना। 1 बजे रात के पुलिस गई थी, क्या बताया था पुलिस, क्या बोली? दरवाजा खटखटाया तो जो आदमी सोया है उसको जो डर भी नहीं है वो दरवाजा खोल दिया कि कौन है आप, अब तो चलिए आप दारू बेचते हैं, चलिए गाड़ी में बैठिए। जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया। अच्छा, कुछ संलिप्त पहले के से था? कुछ नहीं, कुछ नहीं था, वो दारू बेचने वाला है ही नहीं। झूठ मूठ का पूरी तबाह बना, झूठ मूठ का परेशान तबाह की, रात में गाला गाली, और लेडीज को गाला गाली दी। क्या बोले? असली आदमी नहीं पकड़ पाएगा लोग, पुलिस लोग केवल ये लोग घूस लेकर खाता है लोग, पीता है लोग, और बस यही सब होता है इन लोगों से। थाना से कुछ करता है लोग? कुछ एक भी आदमी को पकड़ा है लोग? पकड़ा गया है मसरक में एक भी? सर प्रशासन बता सकता है? लगातार जो मौतें हो रही है उसको खाना पूर्ति कर रही है, पूरा खाना पूर्ति कर रही है, पूरा खाना पूर्ति कर रही है, निर्दोष को पकड़ के अपनी कमजोरी पूरी कर रही है। देखिए तो ये मसरक थाना है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है, लेकिन जिस प्रकार से अगर खाना पूर्ति की जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले डीएम और एसपी दोनों पहुंचे हुए थे और पुलिस प्रशासन पे स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि बस खाना पूर्ति कर रही है, निर्दोष लोगों को पकड़ के उन्हें उठा करके अपना जो यहाँ से नाकामी है वो पुलिस छुपा रही है। ये नाकामी वाकई में 50 लोगों का मौत हो जाता है, यह पुलिस की नाकामी है और यह स्थानीय प्रशासन की नाकामी है। उसके बाद भी अपनी नाकामी छुपाने के लिए अगर वो किसी निर्दोष को दोषी बनाती है तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल करेगा। 50 लोगों का मौत जो आंकड़ा पार किया है इसी प्रखंड से, ये प्रखंड का, और ये जो आंकड़ा छुपाया जा रहा है सरकारी आंकड़ा है क्या कुछ है, ये भी सवाल करेगा। लाश जला दीजिए नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी अपने परिवार को। कितने लोगों को भी अरेस्ट किया गया है? अरेस्ट लड़के को उठा लाया जिसका शादी किया है, दारू बेचने वाले, दारू वाले को नहीं पकड़ेंगे। बोल रहे लोग कि अब जला दीजिए, लाश जला दीजिए नहीं तो पोस्टमार्टम तक नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन मेन आदमी बोला जा रहा है शादी है, तुमको उठा के चले आए लोग, कल कन्यादान पर से उठा है, कल ही विदाई हुआ है और उसको उठा लाए हैं लोग रात को, और इतना गंदा गंदा गाली देकर उठा रहे हैं। पूरी रात की वीडियो है, हाँ वीडियो है, भाई शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो सारी है, पूरी कन्यादान की वीडियो है। पुलिस क्या बोल के अरेस्ट किया? कुछ नहीं, ये तो वारंट नहीं दिखाए, ये तो गंदी गंदी गालियां देते हैं, पता नहीं क्या खाए हैं ये लोग। ये पटना का ये पटना का दबाव है कि उठा के भर दो, पटना का दबाव है और ये जो भी और ये उसको भर दो बस, पुलिस अपना काम कर रही है। ये जो एसपी और डीएम आ रहे हैं भाई साहब, ये कुछ नहीं है, सब कोटा से आए हैं तो कुछ समझ नहीं है। जो बंदा रात भर में वो कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, कन्यादान कर रहा है, वरमाला करा रहा है, उसको उठा के ले आए तुम तो हो गया है। और जो जिसको पुलिस पकड़ के लाई है उसको लेकर के ये सवाल किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि क्या वाकई में कुछ होगा, लेकिन माहौल जो है थाना के अंदर काफी गर्म होता दिख रहा है। और पुलिस जो है क्या एक्शन लेगी ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। हालांकि डीएमएसपी के आने के बाद से थोड़ा सा माहौल बिगड़ता हुआ काफी दिखाई दे रहा है। वही दूसरी तरफ इस प्रखंड में जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा पार हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कर रहा है। क्या वाकई में पुलिस प्रशासन की फेलियर है? क्या वाकई में शराबबंदी बिहार में बड़ा सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है? शराबबंदी तो हो चुका है लेकिन शराब के बाद बिक रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाकामी कह लीजिए या फिर बिहार सरकार की नाकामी कह लीजिए या फिर जिसकी नाकामी कर लीजिए, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है, क्या कुछ होगा ये दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।